तो हे फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में विचार आती होगी कि NSP अर्थात नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जो मैंने अप्लाई किया था दिसंबर नवंबर में, उसकी नेक्स्ट पेमेंट कब आने वाली है, और आप लोग बार बार जाकर लॉगिन करके चेक कर रहे होंगे कि पैसा कब आने वाली है। तो हे दोस्तों, मेरा नाम अशोक कुमार झा है। आज मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगा NSP के तहत में आप कैसे पैसा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको NSP से आप सर्च करोगे, यहाँ पर ले जाओ और यहाँ पर बस आपको एक ही चीज़ करनी है, NSP। दोस्तों, जैसे ही NSP पर सर्च करोगे, यहाँ पर आएगा दोस्तों नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। आप इसको अंदर जानी है और यहाँ देखो, एक मतलब ख्याल रखना कि अभी जो भी न्यू मेंबर है, जिसने कभी गलती से भी अप्लाई यहाँ पर नहीं किया है अभी तक, उनका नंबर 80% से कम है तो वो इसके लिए बने ही नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ पूरी डिटेल्स आपको। अगर आप जनरल के हो, अगर आपका 70% हाई प्लस नंबर है तो आप इसमें अप्लाई करना, अगर नहीं है तो अप्लाई मत करना, उसके लिए था। तो आप लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई यहाँ पर कर रखा है और अब आप लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी समय सीमा नहीं है। अब दोस्तों डेट खत्म हो चुकी है बिहार वालों के लिए, अच्छा फिर जहीं भी हो। तो मैं अब बात करने वाला दोस्तों कि नेक्स्ट पेमेंट आपकी कब आने वाली है, क्योंकि अभी तक एक ही पेमेंट आपकी नहीं आई है। तो सुन लीजिए दोस्तों, NSP वाले जो भी आदमी है उनका पेमेंट आता है Part 1 के बाद Part 2 में। मान के चलिए आप 2019 में एडमिशन लिए, तो 2019 में आपका पेमेंट नहीं आएगा, पेमेंट आपका नेक्स्ट ईयर आने वाली है। और दोस्तों, मैंने जैसे कि बताया था कि मैंने दो वीडियो में आप लोग ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे पेमेंट आएगा, क्या है चक्कर। तो अगर आपने वो बात नहीं देखी है तो जाके आप दे सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दोनों वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। अगर आपको NSP कुछ भी नहीं पता है, जीरो भी नहीं जानते हैं, तो जाके आप वहाँ से दे सकते हैं। अब देखिए क्या करना, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है एक दो ऑप्शन आ रही है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक नहीं करनी है, आपको क्लिक करनी है लॉगिन, क्योंकि दोस्तों आप लोग जो है ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो जैसे यहाँ पर लॉगिन पर दोस्तों क्लिक करते हो, यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, यहाँ फ्रेशर और रिन्यूअल दोनों ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। देखो ये वाली ऑप्शन, अब ये किसके लिए बना है आपको समझ जाओ। देखो जो इस साल जो जुड़े हैं, इस साल NSP के साथ जुड़े हैं, वो जो है आपको फ्रेशर पर क्लिक करेंगे, और जिनको पैसा एक किस्त प्राप्त हो चुका है एक साल का, वो दोस्तों टिपेंगे रिन्यूअल पर। ठीक है, तो आपको दोस्तों चुननी है फ्रेशर वाले। मैं दोस्तों यहाँ पर चुनता हूँ फ्रेशर 2019-20। जैसे यहाँ पर दोस्तों चुने गए फ्रेशर वाले पर, ये आपको निकल के आ जाएगी, और यहाँ पर आपको दोस्तों लॉगिन करनी पड़ेगी लंबी चौड़ी प्रोसेस साथ में। और यहाँ दोस्तों ये गाइडलाइंस भी दी हुई है, तो गाइडलाइंस का को नहीं पढ़नी है आपको, जो है फ्रेशर पर लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक कर देनी है। जो जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अपना लॉगिन ID भरनी है, अपना पासवर्ड भरनी है। तो मैंने भर के फटाफट मैं आपको दिखाया था, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है ऑलरेडी पहले। तो गाइज यहाँ पर देखो लॉगिन पर मैंने ऑलरेडी जो भी ID पासवर्ड है दोस्तों आप लोग खुद से डाल लेना, यहाँ थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है। तो ID तो पासवर्ड डालने के बाद में आप नीचे जाना और यहाँ पर दोस्तों नीचे पर लॉगिन पर क्लिक करना, और लॉगिन पर क्लिक आप दूसरे पेज पर पहुँच जाओगे। मैंने इसको पहले ही स्क्रीनशॉट ऑलरेडी आप लोगों के लिए ले रखा है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आपको 3 से 4 मेथड निकल के आएगी, यहाँ आएगी प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन, चेक योर स्टेटस और प्रिंट योर एप्लीकेशन। दोस्तों आपको जो है सबसे पहले आपको ये चेक कर लेनी है कि जो मैंने अपना जो भी चीज़ भरा है वो सही तो है ना, उसके लिए आपको प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन जाकर अच्छा सा चेक कर लेनी है। नीचे आपको आएगा चेक योर स्टेटस, इसी में बहुत सारा कमाल छिपा हुआ है आपको। अब देखो यहाँ पर चेक योर स्टेटस पर दोस्तों क्लिक करना, क्लिक करते ही आप इसके अंदर चले जाओगे। इसके अंदर दोस्तों जाते ही यहाँ पर देखो आपको एक चीज निकल के आएगी, वो है आपको एप्लीकेशन सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट। ये वाली अगर आपके में दोस्तों आती है नीचे, तो बस ये जो है आपको पैसा के लिए ही होता है। तो अगर दोस्तों आपको ऐसा खुल के नीचे आ रही है एप्लीकेशन सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट, तो आपको इस पर क्लिक कर सबमिट कर देनी है, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आएगी। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने ये वाले पर क्लिक नहीं किया है, ये वाले पर, तो जाकर दोस्तों ये क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद जो है within 1 month के अंदर में जो आपने अकाउंट ID भरा होगा, जिसका भी, उसमें ऑलरेडी अपना ही भरना होता है, तो आप जिसका भी भरोगे उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और दोस्तों 2019 में जो पैसा इस बार जो बच्चों का आया है, वो दोस्तों आया है फरवरी में। ठीक है, फरवरी के शुरुआत में आया है किन्हीं का पैसा, और किन्हीं का 2019 वाले में लास्ट में आया है। तो आपको जो है जनवरी में पैसा आपकी नहीं आएगी दोस्तों, आपको आप अभी का पेमेंट का रिक्वेस्ट मारते हो तो आपको जो है ये आपको अगर अब नहीं आ रही है आपके अकाउंट में, ये वाली निकल के नहीं आ रही है, तो आपको जो है सो कुछ दिन में अंदर में निकल के आ जाएगी। तो पेमेंट का अगर रिक्वेस्ट मारते हो तो आपको 3 से 4 दिन के अंदर में ये आपको सबमिट हो जाएगी, और फरवरी के शुरुआत या फिर जनवरी के लास्ट में आपका पैसा दोस्तों आ जाएगी। बस यही न्यूज है, और कुछ खास न्यूज है नहीं। तो आप फटाफट दोस्तों ये से कर लो, और दोस्तों लेता हूँ विदा। अगर आपको NSP के तहत और भी कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ऐसे कुछ भी डाउट है, पर्सनल डाउट आप चाहते हैं क्लियर करना, मेरे पर्सनल डाउट समझते हैं ना, बस वही पर्सनल डाउट तो चाहते हो क्लियर करना, तो आप हमारे Instagram ID पर मैसेज करो। Instagram ID पर जाने के सबसे पहले आप जाना उसको सर्च बॉक्स में, सर्च करना एजुकेशनल पॉइंट, मेरा नाम सर्च करना, आपको मेरा चैनल का लोगो मिल जाएगा, जाके वहाँ पर्सनल मैसेज करना, मैं आपको वहाँ भी बता दूंगा, मुझे फॉलो भी कर लेना। तो चैनल सब्सक्राइब करो। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।